आज यहाँ आया हूँ गोवा 29th ऑफ मार्च मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं एंड आज फ्राइडे है तो छुट्टी मिली है गुड फ्राइडे की। आज जाता हूँ थोड़ा गोवा घूम के आता हूँ एंड नज़ारे वहाँ से निकलूँगा मैं पणजी होते हुए जहाँ शूटिंग हुई थी, कोई मूवी थी ना कोई हेलो जिंदगी आई गेस, वहाँ से होते हुए एक आगे फोर्ट वोट होते हुए काफ़ी आइटनरी पर डाल दूँगा, इसमें काफ़ी सारी जगह जहाँ घूमूंगा। अभी निकलता हूँ मैं तो थोड़ा सा व्यू देख लो, बाकी आता हूँ बाइक के ऊपर। अभी चलते हैं मस्त न्यू हेलमेट, राइडिंग हेलमेट, निकलते हैं मस्त, मज़ा आएगा। आज आज पूरा दिन है मेरे पास छुट्टी भी, एक मिनट इसको लगाता हूँ यहाँ पर, दिन लगाता हूँ आगे देखता हूँ। काफ़ी एक्चुअली 6 to 7 स्पॉट्स मैं लगा लिए हैं गूगल मैप पे, तो वही जाऊँगा जगह आज, आई गेस वो कवर हो जाएगा। 220 किलोमीटर्स का पूरा है सर्किट तो हो जाना चाहिए, देखते हैं बाकी, मज़ा तो आना ही है। देख रहे हो ना वो कसीनो है, कसीनो का कैसीन होता है इंडिया में हमेशा वो शिफ्ट ही होते हैं, उसकी एक अलग कहानी है कि क्यों शिफ्ट होते हैं। तो जैसा सुना था ना आपने, एक कहानी होती है इसमें कोई एक असुर होता है, वो ना दिन में मरता है ना रात में मरता है ना जमीन में मरता है ना आसमान में मरता है, काइंड ऑफ वही रूल है इंडिया में। रूल है कि आप इंडिया में लैंड पे आप कोई भी कैसीनो नहीं ओपन कर सकते हो, तो उसने क्या किया है कि आपने एक क्रूज शिप ले लिया है, उसके ऊपर सारे कैसीनोज हैं, आपको टिकट सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन क्या आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, फिर आपको वहाँ के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ जाके आपको टिकट ले लेने हैं, देन आपको लेके जाएंगे वो क्रूज पर। तो इन शॉर्ट कैसीनोज हैं बट सारे क्रूज पर हैं, कोई भी ऐसा कैसीनो नहीं मिलेगा आपको जो लैंड पे होगा गोवा में क्या कहीं पर भी इंडिया के रूल की वजह से। तो काइंड ऑफ वही है एक ब्रेक पॉइंट। इसका टिकट दिया 20 रुपए का, विकास वैलिडिटी 18 to 24 खत्म हो गया, इन लोगों का प्यार खत्म हो चुका है। लेकिन अब बीस रुपये थे किस बात के, काफी कुछ दिख रहा है बट गोटा फोर्ट नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड में, वो इट्स सेफ ना ऊपर जाने के लिए। ऊपर ओके, हाँ हाँ थोड़ा लग रहा है मुझको, हाँ हाँ
ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। बहुत नर्वस है, तो तुम कैसे? ठीक है, लेकिन वेलकम टू गोवा। ये देखो मस्त जगह, कोई नहीं यहाँ पे। वो अगोटा फोर्ट सामने सामने पूरा गोवा है, ये पूरा गोवा। तो मैं सबसे लाइट हाउस पे कुछ खास तो नहीं है, उस टाइम वहां पर था ऊपर लाइट हाउस पे। सो ये था अगोडा फोर्ट एंड अगोडा फोर्ट लाइट। अगोडा फोर्ट इतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल फोर्ट है, इतना कुछ वो भी नहीं है कि बहुत अच्छा होगा। अगोडा लाइट अच्छा है, वहां पर जाओ मस्त ऊपर से व्यू दिखेगा मस्त वाला। यहाँ पर क्या ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये बड़ा फेमस है इसलिए चल रहा है, वरना ऐसा कुछ खास है नहीं है। हेरिटेज में गया फिर कहीं भी ओल्ड है इसलिए चल रहा होगा, बट अगोडा लाइट इज मच बेटर देन अगोडा फोर्ट। हम निकलते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट एक बीच है, बीच का नाम मुझे याद नहीं है अभी, नेविगेशन लगा लिया है, बट वहीं निकलते हैं। 99 तो अभी तो माइक ऑफ ही ऑन ही प्लग ही नहीं था। सो अभी क्या किया है ना, माइक में जस्ट इनके नीचे लगा दिया माइक को, तो होपफुली काफी बेटर ऑडियो आनी चाहिए, क्योंकि यार सब लोग यही माइक यूज करते हैं, मेरी क्वालिटी गंदी आ रही है, मतलब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो रही है। बाकी अभी नेक्स्ट जा रहे हैं बीच 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 बीच, गाड़ी तो ऊपर लेके जाऊंगा नहीं वहां तक, लग रहा है घड़ी बंद होगी, नेविगेशन कैसे होगा मेरा। बागा बीच आएगा, बहुत फेमस है यहाँ पर। ओ एक्चुअली बरेली में चूका बीच है बे, आई गेस यही रास्ता होगा बागा बीच का, सारे लोग जा रहे हैं। हाँ ये बागा बीच, बागा बीच, बागा बीच। लाइम लिफ्ट वैसे दोपहर में भी जाना बनता तो नहीं है, पर शाम को जाना टाइम भी नहीं है, जाते पैर छू के निकल लेंगे। ओके टीटोस, इट्स आई लव टीटोस। वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं उस साइड, हाय गर्म हो रहा है, इधर थोड़ा खाली खाली है, इधर चलते हैं। Thank you.
ओके वाटर स्पोर्ट्स तो मैं कर लूं, पानी कितने का होगा? सिगरेट की टूटी टूटी पड़ी है भाई। आ तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह बहुत सारे। भाई वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। आप दीदी कॉल आया था, कॉल कर लेते हैं उसको, कह रही बात करनी है। अभी कहीं नहीं देखा नहीं, और कहाँ जा रहा है इसके बाद फिर? वो पानी में निकल रहे हैं, पानी आते ही अंदर चले आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ कभी नहीं गई बाजार में। नहीं इतना कुछ खास नहीं है, कारोबार अच्छा नहीं है, कारोबार बेटर है। नहीं जी कारोबार से जैसा ये, बस कारोबार में तो भीड़ डाल दे, बस काइंड ऑफ सेम है ये। नहीं कहाँ पर है ये? अच्छा मुझे लगा तेरा रास्ता निकल गया कैलेंबूट तो। मुझे लगा कोई बात नहीं छोड़, इसके बाद कहाँ जाएगा? इसके बाद वो जो ना जो डियर जिंदगी वाली शूटिंग जो हुई थी ना वहाँ पर, वहाँ जाऊँगा। फिर एक मिनट बताता हूँ। फिर दीदी एक फोर्ट है और छापरा फोर्ट। हाँ आई गेस वही होगा, देख है ना ओपन हो गए। फिर आएगा सनसेट पॉइंट, फिर घर आ जाऊंगा।